एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। सारे व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी है। एकादशी में क्या करना चाहिए? अपने आप को बिजी रखना चाहिए। किस चीज में बिजी रखें? अच्छे काम में। आप रोज समय दीजिए परिवार को, संसार को, पर एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा बिजी रहिए भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में, समाज की सेवा में, अच्छे काम में अपने आप को बिजी रखना चाहिए। भगवान की सेवा में मस्त रहो। भगवान को आज ज्यादा से ज्यादा याद करो, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करो। भगवान में इतने खो जाओ कि खाना पीना भूल जाए। आज लोग एकादशी के दिन भी सवाल यही करते हैं कि महाराज जी एकादशी में क्या खाएं? जब खाना ही है तो व्रत करो ही मत, खाने ही नहीं छूट रहा तुम्हारा, और खाना मना भी नहीं। व्रत का मतलब क्या होता? व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है, व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा। वो तो हम व्रत रहने का मुख्य कारण यह है कि हम आज हमने कुछ खाया नहीं, इसका मतलब ये है कि हम भगवान के लिए देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कितना हम भगवान को भूखे पेट याद कर सकते हैं। वो कहावत है ना, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो ये देखा जाता है कि तुमसे भूखा कितना भजन हो पाएगा, ये चेक करो अपने आप को पैरामीटर में कि एकादशी के दिन कितना आप रह पा रहे हैं। जब आपको बिल्कुल ना रहना रहने पावे तो फलाहार कर लो, पहले देखो कसौटी में कसके कि आप कितना रह सकते हैं। जब ना होए तो थोड़ा फलाहार फल फूल खा लो, पर ज्यादा से ज्यादा समय अच्छे काम में लगे, भगवान की सेवा में लगे। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। आज से मैं व्रत लेती हूं या लेता हूं कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी, ये व्रत है कि आज से मैं व्रत लेता हूं। जैसे भीष्म पितामह ने व्रत लिया कि आज से मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ये भीष्म प्रतिज्ञा ही भीष्म व्रत है। भीष्म जी का व्रत है, ये व्रत है ना। इस व्रत का कोई उद्यापन नहीं होता। जैसे आप लोग एकादशी करते हो ना तो बाद में चिल्लाने लगते हो उद्यापन करना है महाराज जी, क्यों करना है उद्यापन, छोड़ना क्यों है? चलो उद्यापन करने के बाद भी उसे कंटिन्यू रखो। एकादशी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एकादशी करते करते ही मरना चाहिए, आखिरी सांस तक एकादशी ना छूटे। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हम आपका ये व्रत एकादशी का करते रहें। अब कोई बहुत लोग तर्क करते हैं कि भूखे रहने से भगवान मिल जाएंगे क्या? ना, बात सही है, भूखे रहने से भगवान नहीं मिलेंगे। तो फिर व्रत किस लिए? भाई व्रत इसलिए किया जाता है कि हम आज अन्न का त्याग कर देंगे। जब हमसे त्याग करना आएगा ना तब हम दूसरी चीज का त्याग करेंगे। सबसे प्रिय क्या है? सबसे प्रिय है भोजन। भाई सबके बिना तो आदमी रह सकता है ना, भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो जो हमारा सबसे प्रिय है भोजन, हे प्रभु हम उसका भी त्याग करके ये बताना चाहते हैं कि हमारे प्रिय भोजन नहीं, आप भोजन से ज्यादा प्रिय हमें हो, हम आपके लिए भोजन का भी त्याग कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो एकादशी के दिन हम एक दिन प्रभु को ये बताते हैं कि प्रभु हम आपको भूले नहीं, देखो हम अपनी प्रिय वस्तु का त्याग कर रहे हैं। सबसे प्रिय होता है चावल, क्यों?
हमारे देश में सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है, हाँ या ना? छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा का तो मैं जानता हूँ, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये दो राज्य ऐसे हैं जहाँ रोटी कभी कभी बनती है, यहाँ पर 10 दिन में एक बार कभी बन गई तो बन गई। छत्तीसगढ़ में तो कभी 15 दिन 20 दिन में कभी रोटी बन गई घर में तो बन गई, वरना दाल चावल या सब्जी चावल यही चलता है, हाँ या ना? आप में से भी अब जैसे पंजाब में पंजाब है, पंजाब के ऊपर हिमाचल और जम्मू इत्यादि प्रांतों में क्या है, वहां राजमा चावल है, क्या चलता है वहां? राजमा चावल। हमारे मध्य प्रदेश में कढ़ी चावल, क्या चलता है? कढ़ी चावल। हमारे यहाँ कढ़ी चावल खाने की खूब परंपरा है। पंजाब में पंजाब के ऊपर राजमा चावल खाने की, कहीं दाल चावल या सब्जी चावल खाने की खूब परंपरा है। बंगाल में मच्छी चावल, बंगाल में मच्छी चावल, मच्छी मतलब मछली, मछली चावल खाने की परंपरा है, हाँ या ना? कुल मिला के महाराष्ट्र में बैगन चावल खाने की परंपरा है, वहां बैगन पसंद करते हैं लोग। महाराष्ट्र का कोई है यहाँ? क्यों भैया, बैगन खाते हैं ना? हाँ या ना? बैगन खूब चलता है चावल। कुल मिला के सबसे ज्यादा प्रिय क्या है हम लोगों को? चावल। और बात सही भी है, चावल के बिना पेट भी नहीं भरता, रोटी कितनी भी खा लो पर जरा सा चावल जब तक ना हो ना, अधूरा अधूरा है। सबसे प्रिय रहा है चावल, इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाने की बात कही जाए, एकादशी चावल नहीं खाओ, पाप लगेगा, पाप लगेगा नहीं लगेगा, मैं वो अलग विषय है, मैं उस पर अलग डिस्कस कर सकता हूँ आपसे, पाप पुण्य अलग विषय है मेरी माँ। लेकिन चावल ना खाने का तात्पर्य मुख्य यह है एकादशी के दिन कि हे प्रभु, हमारा सबसे प्रिय भोजन चावल है, लेकिन आज एकादशी है, आज हम आपके लिए उस प्रिय वस्तु का त्याग करेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा प्रिय हमें आप हैं, आपको आगे करते हैं, इसलिए चावल नहीं खाते। अच्छा, चावल ना खाने की दूसरी मान्यता ये है, जैसे आज भी गौरी गोपाल जी की रसोई में चावल नहीं बना, आज के दिन संतों के यहां रसोई नहीं बनती, पता है? आज के दिन संतों के आश्रमों में चूल्हा नहीं जलता, पर गौरी गोपाल आश्रम में जो आपको एकादशी में जैसे फलाहार वो यहां पे चल रहा है कि भाई एकादशी में भी आप दूर दूर से आते हैं, हमारा धर्म है कि आपका पेट भरा रहे, इस भाव से यहाँ पर एकादशी के दिन भी व्रत वाला सबको बट रहा है। आप लोगों ने भी पाया होगा आज व्रत वाला, पाया कि नहीं? किस किस ने पाया आज व्रत वाला? तो व्रत वाला चल रहा है, बाकी दिन यहाँ दाल चावल सब्जी रोटी चलती है। एकादशी के दिन क्या हुआ था, जब एकादशी प्रकट हुई, एकादशी का जन्म कहाँ से हुआ? भगवान श्रीमन नारायण से। जब पाप ज्यादा बढ़ने लगा तो भगवान नारायण ने एकादशी को प्रकट किया, कहा जाओ, एक राक्षस था, उस राक्षस के लिए भगवान ने एकादशी का को प्रकट किया, एकादशी से कहा भगवान ने जाओ पाप को समाप्त करो। अब सारे पाप जो थे वो सारे जाके छिपने लग गए, कोई पाप कहीं छिपा तो एकादशी ने उसे मारा, कोई पाप कहीं छिपा एकादशी ने उसे मारा, फाइनल सारे पापियों को एकादशी ने मारा। और एकादशी ने वार्निंग दी, क्यों? किसी ने पापों को पनाह तो नहीं दी, छिपने को जगह तो नहीं दी, सबने मना कर दिया, ना 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 हमने नहीं जगह दी, सब पाप खत्म हो गया, परंतु कुछ पाप चावल में जाके छिप गया,
और चावल ने उसे जगह दे दी। तो एकादशी ने कहा कि सब खत्म पाप? बोले हाँ। बाद में पता चला कि चावल ने पनाह दी, जगह दी छिपने की। एकादशी ने कहा कि तुमने पाप को जगह दी है, जाओ आज से तुम्हारे भीतर एकादशी के दिन पाप का ही वास होगा। समस्त पाप सारे जगह से निकलकर, प्रत्येक प्राणी के पाप निकलकर एकादशी के दिन चावल में समा जाएंगे, और जो एकादशी को चावल खाएगा वो सारे पाप उसके भीतर आ जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन चावल में पाप का वास होता है। जैसे संडे के दिन, रविवार के दिन तुलसी में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है, इसलिए संडे के दिन तुलसी को नहीं तोड़ते, क्योंकि वो अपने पति के संग होती है, इसलिए स्पर्श करके डिस्टर्ब नहीं करते। संडे को तुलसी क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि संडे के दिन तुलसी में भगवान श्रीमन नारायण का, भगवान विष्णु का वास होता है। समझ में आ रही है बात? इसलिए संडे को तुलसी नहीं तोड़ते। जैसे रविवार को भगवान नारायण का वास तुलसी में होता है, उसी प्रकार एकादशी के दिन पापों का वास चावल में होता। इसलिए एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? चावल नहीं खाना चाहिए। पहला तो कारण यह है कि पाप का वास है। दूसरा कारण यह है कि प्रिय वस्तु है। हम तो भगवान को ज्यादा प्रिय मानते हैं, संसार की वस्तुओं को प्रिय नहीं मानते। इसलिए हमारे यहाँ साधु संतना फलाहार करने की परंपरा लागू की है। फलाहार, फल, फल ज्यादा से ज्यादा फल खा लो। वैसे फल खाने से ना शरीर अच्छा होता है। शरीर में पानी की मात्रा कम होती है या ज्यादा? हाँ, शरीर में पानी की मात्रा कम होती है या ज्यादा? जोर से। शरीर में अन्य पदार्थों की अपेक्षा पानी की मात्रा ज्यादा होती है। बॉडी में पानी ज्यादा होता है और फलों में भी पानी की मात्रा ज्यादा होती है। बोलो हाँ। तो बॉडी भी हमारी पानी ज्यादा चाहती है और फलों में भी तरलता होती है, इसलिए फल हमारी बॉडी के लिए अनुकूल है। हमारा पेट आसानी से फल को पचा लेता है, उससे पानी भी मिल जाता है। जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं, जैसे दूध है, दही है, छाछ है, रस है, फल है, ये शरीर के लिए अमृत है। जब पेट को फल मिलता है ना, तो पेट नाचने लग जाता है। पेट को जब फल मिलते हैं तो पेट ताजगी से भर जाता है, क्योंकि फलों में रस है ना, तो बॉडी उसे स्वीकार कर लेती है। जबकि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सब क्या करते हैं, जैसे आपने कभी प्रैक्टिकल करके देखना, आप ज्यादा पिज्जा खाओगे, बर्गर खाओगे तो आपको प्यास ज्यादा लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि वो चीजें आपके अंदर के पानी को खत्म कर देती हैं, सोख लेती हैं। जैसे आप दाल बाटी खाओ, प्रैक्टिकल कर लेना, आप में से कितने लोगों ने दाल बाटी खाई है? खाई है? तो दाल बाटी खाने के बाद प्यास ज्यादा लगती है क्या? ये बात सही है, हाँ या ना? क्यों लगती है? क्योंकि बाटी जो होती है पेट के अंदर जाती है, वो सारा पानी सोख लेती है। पानी की हो जाती है कमी तो वो पानी चाहती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पानी ज्यादा चाहती हैं। अच्छा, आप फल खाइए, फल खाने के बाद आपको प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि वो बॉडी के पानी को और बढ़ाएगी, हाँ या ना?
तो आप समझिए, जो विज्ञान शरीर का जो साइंस है, विज्ञान है, इस पर थोड़ा विचार किया करिए। आज लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? वो चीज खाते हैं जो शरीर एक्सेप्ट करता ही नहीं। अब तुम हड्डी चबा रहे हो मुर्गा की, अब हड्डी तो कुत्ता चबाता है, अब तुम मुर्गा की टांग चबा रहे हो, तो ये तो सब कुत्तों के आचरण हैं, इंसानों के नहीं है। इसलिए आप लोगों के जीवन में आप लोग समय के पहले बूढ़े हो जाते हैं, समय के पहले आंखों में कम दिखने लग जाता है, समय के पहले बीमारियां आ जाती हैं, समय के पहले बुढ़ापा आ जाता है, समय के पहले कमजोरी आ जाती है। इसलिए क्योंकि आपने खान पान गलत किया। तंबाकू खाए, तंबाकू खाया, सुपारी खाई, क्या हुआ? ये सारी चीजें आपके अंदर के सिस्टम को डैमेज करती हैं, खराब करती हैं। शरीर अनमोल है, इसे संभाल के रखना चाहिए। जितना बढ़िया खान पान होगा उतनी लंबी आयु आपकी होगी। अच्छी हवा लो, गहरी हवा, सांस खूब बढ़िया, प्राणवायु लंबी होनी चाहिए आपकी, लंबी भस्त्री का प्राणायाम करो, गहरी सांस लो, थोड़ा सा टहलो, नंगे पांव थोड़ा चला करो, पांव में थोड़ा कंकड़ चुभने चाहिए, एक्यूप्रेशर होता है। खान पान बढ़िया हो तो इससे सब ठीक होता है। तो कुल मिला करके आप लोग ठीक रहेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खान पान बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो क्या खाओगे आज से ज्यादा? जोर से, फल। इसलिए हमारे ऋषियों ने आपको व्रतों में फल खाने की बात कही है, लेकिन आप साबूदाना के बड़े बना बना के खाते हो। आप लोग व्रत के दिन भी फल नहीं खाते, आप व्रत के दिन भी आलू खाते हैं। आलू तो रोज खाते हो आप, पर व्रत के दिन भी आलू के पकौड़े और सिंघाड़े का आटा उसमें मिला के, उसका सिंघाड़े का आटा खाओ, अच्छा है, सिंघाड़ा अच्छा है, पर एक दिन तो कम से कम फल खाओ, बॉडी को कुछ फल बढ़िया दो। एक एप्पल रोज खाना चाहिए, एप्पल समझते हैं सेब, एक सेब रोज खाओ। गर्मी है, एक दो केला रोज खाओ। गर्मी है, जामुन आने लग गई, जामुन रोज खाओ। जब तक जामुन का सीजन चले रोज जामुन खाओ। जामुन ही एक ऐसा है फल जो अंदर साल भर में यदि हमारे पेट में कोई बाल वाल चला जाता है, बाल, ये बाल होते हैं ना, कई बार जाने अनजाने में हमारे मुंह के अंदर पेट में बाल चला जाता है, जैसे गाय का दूध पीते हैं तो गाय का बाल भी चला जाता है। आप लोग तो सब छान के पीते हैं, फिर भी जो पहले के लोग तो ताजा दूध निकाल के पी लेते थे तो संभावनाएं ज्यादा थी। और आप कई बार आपके रोटी में चावल में बाल आ जाता है ना मुंह में, आप फिर बाल निकालते हो, ये देखो ये, हाँ या ना, स्वाभाविक है। बनाते बनाते कई बार उड़ करके कहीं से कहीं पहुंच जाता है, रोटी में आ जाता, सब्जी में आ जाता, बड़ा टुकड़ा है तो निकल जाता, छोटा बारीक बाल हुआ तो वो तो सीधा पेट में चला जाता। ये बाल इत्यादि जैसी चीजें जामुन पचाती है, पता है आपको ये बात? पता है जामुन क्यों खाना चाहिए? जामुन ही ऐसी है जो साल भर में जो पेट में नहीं पचता उसे जामुन पचा देती है। इसलिए मौसमी फल जरूर खाने चाहिए। मौसमी फल मीन्स मौसम का फल, जैसे जामुन 12 महीने नहीं मिलती, कम मिलती है, अषाढ़ में मिलती है। अब जैसे वैशाख अषाढ़ पानी गिरेगा, जामुन की भरमार होगी। जामुन का सीजन ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन का होता है, अधिक से अधिक, क्यों? और गहरा लो तो एक महीना मान लो, पर फिर भी 20 दिन तो बढ़िया, 20 दिन ही है जामुन, इससे ज्यादा नहीं है। खूब खाओ जामुन, बच्चों को खिलाओ।